नमस्कार। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम अक्सर अपने घर में तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, रोटी अवश्य बनाते हैं। रोटी हमारे जीवन, हमारे खाने का महत्वपूर्ण अंग है। पर मैं आज आपको कुछ दिनों के बारे में बताने जा रही हूँ जिस दिन भूल कर भी रोटियां नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ही अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में अक्सर किसी भी कार्य को करने से पहले दिन और मुहूर्त देखा जाता है। दिनों के हिसाब से ही कार्य निर्धारित किए जाते हैं। ये नियम भोजन पर भी लागू हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल बनाने और खाने की मनाही होती है। ऐसा ही नियम रोटी बनाने को लेकर भी है। हिंदू धर्म में 5 ऐसे मौके होते हैं जिस दिन रोटी बनाने को लेकर मनाही होती है। इस दिन अगर गलती से भी रोटी बना ली जाए तो जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। सनातन धर्म के अनुसार दिवाली समेत महालक्ष्मी से जुड़े त्योहार आने पर घर में रोटी बनाने की मनाही है। इन दिनों में खास पकवान बनाने चाहिए। इस दिन पूड़ी, हलवा, सब्जी बनाकर सेवन करना चाहिए। अगर आप इन दिनों में रोटी बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप माँ लक्ष्मी के आगमन से खुश नहीं हैं। पहला दिन जो मैं बताने जा रही हूँ वह शीतला अष्टमी पर देवी शीतला की पूजा की जाती है। उस दिन माँ को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। भोग के बाद बचे हुए बासी खाने को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन घर में रोटी और कोई भी ताजा भोजन बनाने की मनाही होती है। शरद पूर्णिमा पर शाम के समय खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है और इस खीर को अगले दिन प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत वर्षा होती है। अमृत की बूंदें खीर में भी पड़ती हैं। इस दिन घर में रोटी बनाना वर्जित है। नाग पंचमी जो कि आने वाली है, उस दिन भी घर की रसोई में चूल्हे पर तावा रखना और रोटी बनाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है। इस कारण नाग पंचमी पर चूल्हे पर तवा रखने की मनाही होती है। इसकी जगह पतीले में उस दिन कोई भी व्यंजन आप बना सकते हैं। पुराणों के मुताबिक जब किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो उस दिन भूल कर भी आहा रोटी या अन्य भोजन नहीं बनाया जाता। ऐसा माना जाता है कि 13वीं संस्कार होने के बाद ही घर में रोटियां बनाई जानी चाहिए। उससे पहले रोटी बनाने पर अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो आप भी इन तिथियों को याद कर लें और इन तिथियों पर आप भी रोटी बनाने से बचें। ओम नमः शिवाय।